हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं परफॉर्मा इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस में डिफरेंस क्या है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको ये लगता है ये सेम है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सेम नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूं, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है और आप हमारे वीडियो या चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्रैक्टिकली हम आपको अपने चैनल के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए एक एक स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में सिखाते हैं। चलिए बात करते हैं परफॉर्मा इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, परफॉर्मा इनवॉइस क्या है, सपोज़ कीजिए, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैंने किसी बायर से बात की, उसने बोला कि यार अच्छा बताओ आपका रेट क्या है, आप एक रफ एस्टिमेट दे देते हो, वो आप मेल के थ्रू भी दे सकते हो। सपोज़ करो कि बायर ने आपको बोला यार मेरे को 20 टन माल चाहिए, तो इसका एक एस्टिमेट बताना कितना होगा। आपने फ़ोन पे या ईमेल के थ्रू बोला सर अप्रॉक्स इतना होगा, बट फाइनल तो मैं बाद में बता पाऊँगा कि कितना अमाउंट लगेगा और कौन सी इनको टर्म्स में जब आप बताओगे मैं तभी आपको एग्जैक्ट बता पाऊँगा। यही बात होती है ना। अब आपकी बायर से डील हो गई, बायर कहता है यार देखो मैं तो एग्जैक्टली ही पूछ रहा हूँ, आपका रेट मुझे ठीक लगा, ये 20 टन मैं लेने को तैयार हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इनको टर्म्स क्या चाहिए। बायर ने बोला जी मुझे इनको टर्म्स FOB चाहिए, अब मुझे फाइनल कोटेशन भेजो। रिमेंबर दोस्तों, मैंने क्या बोला अभी, फाइनल कोटेशन। तो ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या है, ये फाइनल कोटेशन है। अब आप प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाओगे, उस पर इनको टर्म्स, उस पर आपका प्रोडक्ट, उसका अमाउंट, टोटल जितना भी खर्चा या टर्म्स और जो भी आपकी यानी टर्म्स एंड सेल और रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप कौन सी पेमेंट टर्म में काम करना चाहते हो, बायर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जैसे हम पक्का बिल बनाते हैं ना, तो एक तरीके से बिल्कुल सिमिलर वो एक कच्चा बिल बनेगा जो बायर को ये डिफाइन करेगा कि देखो अगर आप हमसे ये माल खरीदते हो, फाइनली डील करते हो, तो ऐसा बिल आएगा और ऐसी सेम कॉस्ट आएगी इसके ऊपर, इससे आगे आपको कुछ नहीं देना, ये नेट में FOB वैल्यू है। तो एक तरीके से कच्चा बिल। अब सपोज करो बायर कहता है कि यार थोड़ा सा है ना नेगोशिएट कर लो यार, बहुत ज़्यादा है, मैं आपसे माल ले रहा हूँ, मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, या पहली बार हम डील कर रहे हैं। तो अब परफॉर्मा इनवॉइस में अब आप कहोगे जी सर मैंने तो परफॉर्मा भेज दिया, क्या मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, जैसा कि मैंने बोला कि ये कच्चा बिल है। अब बायर ने आपसे डिस्काउंट मांग लिया, तो परफॉर्मा इनवॉइस एक तरीके से कच्चा बिल है, कोटेशन है, तो वो कोटेशन तो चेंज भी हो सकती है ना। अब दोबारा आप उसको मॉडिफाई करके या कैंसिल करके आप परफॉर्मा इनवॉइस को दोबारा जनरेट करा के बायर को फिर से भेज सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 बार ऊपर नीचे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं आता, यानी लीगल कैटेगरी में नहीं आता। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये एक कोटेशन है। अब दोस्तों बात करते हैं कमर्शियल इनवॉइस की। देखिए दोस्तों, जैसे नाम है कमर्शियल इनवॉइस, अब ये कहाँ यूज़ होता है यार, एक बात बताओ, हम अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो सामने वाला सेलर हमें पक्का बिल काट के देता है, ऐसे ही जब हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो ये पक्का बिल होता है, ओरिजिनल बिल होता है, जिसकी वजह से जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो बंदा जो है, जो बायर जो है, वो अपना कस्टम क्लियरेंस भी करा सकेगा। तो जब भी हम माल बेचते हैं तो पक्का बिल काटते हैं, तो ये पक्का बिल है। पक्के बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए, बायर सेलर का एड्रेस, उसकी पूरी डिटेल्स होगी, इनको टर्म्स की पूरी डिटेल्स होगी, पेमेंट किस टर्म में लेनी है वो होगा, प्रोडक्ट होगा, उसका HS कोड होगा, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन होगा, पोर्ट ऑफ अराइवल होगा, यानी शिपिंग डिटेल्स पूरी होगी, आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्राइस की पूरी डिटेल होगी, यही सब होता है ना पूरे आपके बिल के अंदर। तो यानी ये पक्का बिल है और ये बनने के बाद मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो माल बेच दिया, माल लेके चला गया वो, तो ये मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये कैंसिल भी नहीं होगा। तो ये एक पक्का बिल और वो कह सकते हैं एक कोटेशन। तो दोनों में डिफरेंस समझिए। बहुत आसान है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, अगर आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो मैं अभी कहता हूँ भैया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग स्क्रॉल करोगे फिर भूल जाओगे, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा लाइक करके छोड़ दोगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे और फिर माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर ढूंढने के लिए फिर पूरा यूट्यूब घूमना पड़ेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है उसको भी ज्वाइन ज़रूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सामने जो है ये 20 फुट LCL कार्गो है, ये एक एक करके अलग अलग प्रोडक्ट हैं इसके अंदर। इधर आ, ये देखो, ये फॉक्स से सारा भरा जा रहा है अलग अलग। आपने पूरा कंटेनर बुक कराया लेकिन कुछ स्पेस रह गया, अभी हमने देखे अंदर बॉक्सेस भरे जा रहे थे, अब क्या है अगर कंटेनर पे स्पेस रह गया और आपने देखा वहाँ से क्रेन उठा रही है, मतलब जो भी टेबल्स हैं या नट बोल्ट्स हैं वो उसके लिए पैलेट्स बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाते हैं पैलेट। और ये जो आपका एशिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है, ये 1989 में इसको किया गया था लेकिन 1993 में यहाँ पे प्रगति मदद से शिफ्ट हुआ था।